तो कितना आज करना हमने इसमें यहाँ सर 167 बेड्स लगते हैं नर्सरी के, इसमें 176,386 करीब कटिंग्स लग जाते हैं। थोड़ा शुरू किया था आप कितना प्लांटेशन करना है यहाँ पर? अभी तो आप एक प्लांट करेंगे तो टोटल कितना रखा टारगेट? टोटल हमारा 110,000 पूरा आ जाएगा यहाँ बस बोर्ड जाए भी साहब को बोलना से खैर मकदम करता हूँ कि आप कठुआ तशरीफ लाए और इस प्लांटेशन प्रोग्राम को शुरू किया। अपने मुबारक हाथों से आपने आज का ये प्रोग्राम जम्मू प्रोविंस में प्लांटेशन ड्राइव प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज है, जो कि हम हर साल विंटर मंथ्स में करते हैं। हमारा इस साल का टारगेट जम्मू प्रोविंस का 550,000 सैपलिंग्स का है और 36,00,000 रूट्स और कटिंग्स हमारे इस प्रोविंस सुबह के तमाम नर्सरीज में प्लांट किए जाएंगे। सिल्क हमारी रवायत से जुड़ी हुई एक चीज़ है जो सदियों से यहाँ पे लोगों ने अपनाई हुई है। हमारी टोटल इंडिया की प्रोडक्शन जो है 36,000 मेट्रिक टन के करीब है, लेकिन हमारी नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है, जिसको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देने की कोशिश में ख्वाह हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग पाए। उसके लिए सेंट्रल स्कीम्स समग्र के तहत हम लोगों को कर रखी हैं। इतनी प्रोडक्शन होने के बावजूद हम 4,000 से 5,000 इम्पोर्ट करते हैं मेट्रिक टन्स, जिसका मतलब है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है उसकी खपत ज़्यादा हमारे साथ इस काम में शामिल हो जाएं और हमारे अंडर जो हमारी वेरियस स्कीम्स आई हैं उसका फ़ायदा उठाएं। इन सब बातों पे तफसील के साथ गौर फरमाएं साहब से कि वो आज इस मौके पर चंद अल्फाज। ऑफिसर यहाँ का इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का और जो बाकी ऑफिशल्स हैं, खुसूसी तौर जो हमारे मेहनतकश हमारे चरमकश भाई यहाँ आए हैं उनको मेरी तरफ से नमस्ते। साथियों, खुशी का मुकाम है इस वक्त कि हमारे डायरेक्टर श्री पहला कदम महकमे का संभाला और जम्मू डिवीजन को जो इन्होंने इब्तदाई प्लांटेशन का जो दौरा किया है वो इस सरजमीन से किया है, तो ये बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है। इसके लिए हम अपने डायरेक्टर साहब को चेयर कर सकते हैं और आपने हमारे डायरेक्टर साहब कुछ दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट को, तो जो हमारे यहाँ जमींदार हजरात हैं हमारे मेहनत कश कर्मकश भाई जो हैं उन्होंने सब कुछ ये अपने अखज किया है किया होगा कि हमारे डायरेक्टर साहब कितने
पर्टिकुलर है, कितने इसके एंथुजियास्टिक है कि ये महकमा किस तरह हमारे जो स्कीम्स है, चाहे वो HADP के स्कीम्स है, चाहे वो सिल्क समग्रा स्कैंड की स्कीम्स है, वो कितनी अच्छी तरीके से और इन द प्योर फॉर्म हमारे ग्रास रूट लेवल जो हमारा किरम कशबाई है जिसका मकसद और मकसद जो उस स्कीम का है, तभी वो अच्छी तरह से उसका मकसद निकलेगा जब हमारे किरम कशबाई तक वो स्कीम पहुंचेगी और किरम कशबाई हमारा उस स्कीम को लागू करके अपना जो कारोबार है, ये खुपटी कमाने का कारोबार है या प्लांटेशन लगाने का कारोबार जो है वो अच्छी तरह से करेगा और उन स्कीमों का अच्छी तरह से उनका फायदा उठाए। किरमकश हजरात को हम इंडस्ट्री के बारे में क्या कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे चार पहियों पे हम आपका करते हैं स्टैंड पे, ठीक है, उससे अभी लेबर भी होती अच्छी बात। उसके बाद मकान चाहिए, मकान भी हम दे रहे हैं। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट जो दवाइयाँ हम आपके पास देते हैं, ठीक है, जिसकी कोई कोई बिल्कुल नहीं चीज़ कीड़े मर जाते हैं, उससे हम कुछ नहीं काटते खास कर सीट हम डिपार्टमेंट देता है उसकी कास्ट हमें देर करनी पड़ती है। तो ऐसे काफ़ी सारी स्कीमें जो सिर्फ समझ रहा बाकी ज़्यादा डिटेल में जैसा बताएंगे आपको, मैं रिपीट रिपीटेशन नहीं चाहता। थैंक यू, शुक्रिया। ठंडाई अच्छी शुरुआत की, ये जो पेड़ लगाना होता है ये शुभ माना जाता है हमेशा। हमारे जदों ने, बाप दादा ने जब पेड़ लगाए हैं तब हम आज जाके उसका वो फल लेते हैं या उसका जो भी बेनिफिट है उसी से मिलता है। हर एक चीज़ जो दुनिया में होती है ये तो इसी पेड़ से मिलती है और इसी ज़मीन से मिलती है, यही ज़मीन सोना है। बाकी जो हम बाबू लोग हैं कोट पेंट लगा के बाकी चीज़ करके, हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन यही है कि हम स्कीम्स को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो सही जो बड़ा जो इस देश का जो हीरो है वो एक किसान है, जो किसान मुख्तलिफ किस्म के काम करके फोकस है। मैंने 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया, मेरा जो फोकस है वो फोकस मेरा ये है कि मेरे एक किसान को, एक नौजवान को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बाखबर होना चाहिए कि सरकार, तो उसमें ये आपका हक बनता है। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि अगर आप दूसरे महकमों में देखेंगे, चाहे एग्रीकल्चर या दूसरे हटिंग है, दवाई करनी है, खर्च करना ही नहीं है, वो पत्ते देता है वो भी डिपार्टमेंट देता है, जो आपको कोई सहायता देता है वो भी डिपार्टमेंट देता है। अब कल मार्केट का मसला है, कल खरीदारी का मसला है, तो उसमें भी हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि हम मार्केट भी आपको दे पाएं। हम कोशिश करेंगे जहां जहां अभी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर मंडी पहुंचेगी मार्केट गुजारिश है कि वो इसको देखेंगे कि ये सही तरीके से लगना चाहिए, है ना, ये लगाना है, इसमें मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा सा इसको पूरा सोना है। आपसे मैं उम्मीद रखूंगा कि 4 गुना बढ़ाना है इसको, बाकी हम आपके साथ क्या कमाया है बढ़ाना है, 4 गुना बढ़ाना है, बाकी हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। खड़ा कलवाल सर्कल से जी, हमारे मुलाजिम हैं, बीट वॉचर हैं अशोक कुमार, ये वो दिलजोई से काम करे और डॉक्टर साहब के हाथ से इनाम हासिल करते हुए। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार इसमें बड़ी पर्टिकुलर है, हमारे किसान का जो आमदनी इसको बढ़ाने के लिए, इसका लाइफ का इकोनॉमिकल स्टेटस चेंज करने के लिए, तो इस सिलसिले में जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं,
वो ज़बरदस्त इसमें रुचि और दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि एक किसान की मदद की जाए। तो इस सिलसिले में हमने आज जम्मू डिवीज़न में एक अच्छी शुरुआत की प्लांटेशन ड्राइव की, मलबरी प्लांटेशन ड्राइव की, यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ हमने 1,10,000 प्लांट ज़मींदारों में तकसीम करने होंगे। टोटल जो जम्मू डिवीज़न में है 5.5 लाख के करीब जो हैं प्लांट, वो हम ज़मींदारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लीव बैंक को बढ़ा देंगे। हम मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी टेकअप किया है कि हम और भी ज़मीन लेना चाहेंगे, हम और भी फार्मर्स को बढ़ा देंगे। और आज आपने देखा यहाँ हमारे फार्मर भी थे यहाँ। आप कभी शर्माना नहीं है, जो भी आपका कोई इशू है, जो भी कोई मसला है, आपको शर्ड नहीं है तो हम शर्ड के लिए भी आपको सपोर्ट करेंगे 2.25 लाख रुपया। आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो 40,000 के इक्विपमेंट हम देंगे। आपके पास कोई मेडिसिन डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत है, हम देंगे। आपके पास जो भी सहायता है टेक्निकल, वो हमारे अफसर आपको दे देंगे। आपके पास लीफ की ज़रूरत है तो हम फ्री ऑफ कास्ट दे देंगे। आपको मार्केट, वो हम ज़रूर देंगे। लेकिन मेरा टारगेट है कि जो हमारा बायर अभी बाहर से आता है, हम अपने यहाँ ऑटोमेटिक रेलिंग यूनिट बना दें, हम अपने मशीनें डालें। हमारे किसानों से ये गुजारिश रहेगी कि अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर से राबता कायम करें, हमारे यूथ वहाँ आए और कोशिश करेंगे कि रेलिंग यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएँ। उनमें हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो जितने हम यहाँ रीलिंग यूनिट ज़्यादा डालेंगे, वीविंग यूनिट यहाँ बना देंगे, उससे हमारा लोकल मार्केट भी बहुत बढ़िया बनेगा। कोशिश रहेगी कि इस तादाद को, जो हमारा लीव बैंक है, इसको बढ़ा देंगे। जो डिफरेंट मार्केट प्लेटफार्म्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी तादाद बढ़ा देंगे। जो ऑफिसेज का जो ठीक करना है, रेनोवेशन करना है, या ऑफिसेज की तादाद को बढ़ाना है, जो भी फैसिलिटी वर्क प्लेस अपने मुलाजमों को देना है, वो भी दे देंगे। और कोशिश करेंगे कि हम एक बड़ा एक पब्लिसिटी का कंपेन चलाएंगे। आपने देखा होगा, मैंने कश्मीर में भी इसको शुरू किया है, यहाँ जम्मू डिवीज़न में भी पब्लिसिटी और अवेयरनेस का काम शुरू किया है, क्योंकि ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें हम हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, और कोई मुश्किल काम नहीं है। एक साइड बिज़नेस के तौर पर, जिसको हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, मैंने किसानों से कह दिया है कि आप हर एक ऑपरेशन करो, एग्रीकल्चर भी करो, शिप भी करो, हॉर्टिकल्चर भी करो, फिशरीज़ भी करो, सेरीकल्चर भी करो। एक कैश क्रॉप है, एक कमरे में कर सकते हैं। आपके पास कमरा नहीं, किराए पर ले लो। आप किराए पर नहीं ले सकते, हम आपको सब्सिडी देंगे शेड बनाने के लिए 2.25 लाख रुपया। लेकिन आप सामने आ जाओ, आप डिमांड दे दो। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमसे ये हिदायत दी है कि आप फंड्स की डिमांड दे दो। फंड्स की कमी नहीं है, समग्र टो में हमारे पास फंड्स हैं, HADP में हमारे पास फंड्स हैं, हमारे कैपेक्स बजट में हमारे फंड्स हैं। हमने यही है कि हमने खर्च पैसे को करना है, सही तरीके से करना है। और फार्मर से ओपनली हम कहेंगे कि आप हमारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए, हमसे जुड़ जाइए। कि अगर ये 12 किलो से ज़्यादा ड्राई बनाता है तो उसमें इसको 20,000 के करीब सब्सिडी मिलती है। इसी तरह अगर ग्रीन ये 36 किलो से ज़्यादा बनाता है, उसमें भी इसको 20,000 के करीब मार्केटिंग में सब्सिडी दी जाती है। ऑनलाइन मंडी या दूसरी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं रांची गया था, मैं बेंगलोर भी जाऊँगा, वेस्ट बंगाल भी जाऊँगा, अपनी टीम लेके कोशिश करेंगे फार्मर्स को भी विजिट एक्सपोजर करवाएं। और जो बाहर हमारे बेंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है, इसका सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड का, उनसे भी जो भी सहायता लेनी होगी वो ले लेंगे, और कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग को किस तरह से और बढ़ा देंगे।